जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कम हाइट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपकी हाइट बढ़ जाए, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइट बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आप हमेशा ये जानना चाहते हो कि भाई हम क्या खाना खा लें, हम कौन सा डाइट ले लें, हम कौन सा एक्सरसाइज कर लें जिससे हमारा हाइट बढ़ जाए, लेकिन आपने ये कभी जानने की कोशिश नहीं करा होगा कि कौन सा हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हाइट है वो नहीं बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं 7 से 8 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिसको आप करते होगे जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी वो गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहली गलती जो आप करते हो, मोस्टली लोग करते हैं, वो रनिंग नहीं करते हैं। और रनिंग करने से जो है, बहुत लोग का मिथ ये होता है कि हम रनिंग करते हैं तो हमारा हाइट जो है रुकने लगता, हमारा हाइट नहीं बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रनिंग नहीं करते हो तो आपके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आपके जो हाइट ग्रोथ है वो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, जब हम रनिंग योगा करते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। और जब हमारे बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो इंक्रीज़ करता है, उससे क्या होता है, हमारे ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ, हमारे मसल का ग्रोथ होता है। दोस्तों हमारा, अगर आप जिम करना चाहते हो तो आप, जब तक आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो इंक्रीज नहीं होगा, तो ना कि आपकी हाइट ग्रोथ होगी, ना आपका बॉडी मसल्स ग्रोथ होगा। तो आपको रनिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। और गर्म होने के साथ दोस्तों हम जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे बॉडी में असर करता है, हमारे बॉडी के अंदर एक खिंचाव आता है जिससे हमारा जो हाइट जल्द से जल्द ग्रो होता है। तो आप जो है रनिंग नहीं करते हो तो रनिंग करना स्टार्ट करो। दोस्तों दूसरी गलती जो मोस्टली लोग करते हैं, वो करते हैं एक प्रॉपर नींद ना लेना। अगर आपको पता हो दोस्तों कि अगर हम रात में जब सोते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि हम दिन भर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हो, कोई स्टूडेंट हो पढ़ाई करता है, तो क्या होता है, हमारा ऑफ्टम दिन भर जो हमारा बॉडी होता है वो अलग अलग चीज़ों में ध्यान देता है, ठीक है, जिससे हमारा जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो हमारे काम पर ख़त्म हो जाता है। जब हम रात में खाना वाना खा लेते हैं, जब सोते हैं, तो हमारा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होता है। उस टाइम क्या होता है, हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है, हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो उस टाइम ज़्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा हाइट जो बढ़ने में मदद मिलता है। लेकिन आप क्या करते हो, रात में प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, आप रात में लेट तक जागते हो, आप फ़ोन यूज करते हो, उससे क्या होता है, हमारा हाइट नहीं बढ़ता है। तो कोशिश करो रात में जल्दी सोने की कोशिश करो, कम से कम करीब 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। अगर उस टाइम सो जाओगे और कम से कम 8 घंटे की नींद लोगे दोस्तों, तो आपका बॉडी का जो ग्रोथ है, आपका जो हाइट है, वो जल्द से जल्द बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गलती कर रहे हो तो ये गलती को सुधार लो। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो क्या होता है, आपका बॉडी का बेड पोस्चर होना, ठीक है। बेड पोस्चर होना क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग आदत होता है कोई ऐसे झुक के रहता है, किसी का फोल्डर ऐसा डाउन रहता है, किसी का बहुत ज़्यादा ऐसे अप रहता है, ठीक है। आपने देखा कोई जिम कर लिया तो ऐसे करके चल रहा है, ये करके चल रहा है, ये सब चीज़ क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी का बेड पोस्चर हो जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो पहले तो आप स्टार्टिंग में पढ़ाई करने बैठते होगे तो पूरा एकदम बॉडी स्ट्रेट रखते होगे, हाँ हमको बॉडी स्ट्रेट रखना, फिर पढ़ते पढ़ते हमारा जो बॉडी है ऐसे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक बेड पोस्चर है। फिर क्या होता है, जब हम रात में सोते हैं तो हम अपने बॉडी को पूरा सिकोड़ के सोते हैं, बहुत लोग आते हैं पूरा बॉडी को सिकोड़ के सोना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपनी बॉडी का ग्रोथ करना चाहते हो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो प्रॉपर नींद लेना और नींद के साथ ही दोस्तों आपको एक अच्छा पोस्चर में सोना जरूरी है। अगर आप अच्छा पोस्चर में नहीं सोओगे तो आपका हाइट कभी भी नहीं ग्रोथ होगा। तो क्या करना है आपको स्टार्टिंग आज से, क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी हाइट कम है या आपका बॉडी का लेवल जो डाउन यहाँ पर हो जा रहा है, तो आपको बॉडी को ज़रा स्ट्रेच करके चलना है। फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए कुछ बेल्ट आता है, बेल्ट को आप यूज़ कर लो। बेल्ट यहाँ पर लगा लोगे तो क्या होगा, बॉडी को आपको टान कर रखेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो है बेड पोस्चर नहीं होगा बॉडी का। तो अगर वो एक सामान आता है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उसे खरीदना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप खरीद लेना, आप फिर पहन सकते हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगला जो आप गलती करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टेबल पर खाना नहीं खाना। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और इसमें बहुत लोगों ने मुझे बोला, भैया हम सच में हम टाइम टेबल पर खाना नहीं खा पाते हैं। हम रात में, अगर बताइए, अगर आप रात में बहुत लेट तक जागोगे, ठीक ना, मान लो आप 3 बजे 2 बजे कोई सो रहा है रात में, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो मॉर्निंग में 10-11 बजे उठेगा। अगर आप 10-11 बजे उठोगे और उस टाइम क्या होगा, 10-11 बजे उठोगे तो आप लेट से खाना खाओगे, क्योंकि बाथरूम वगैरह जाओगे करते करते 11 बज जाएगा, फिर आप खाना वाना खाओगे, तो वो खाना कभी भी आपके शरीर में नहीं लगेगा, आपके बॉडी में नहीं लगेगा, ठीक है। और खाना अगर आपके बॉडी में नहीं लगता है, ठीक है, तो एक बात आप जान लो कि आप चाहे कितना भी कर लो, आपका शरीर कभी ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो हाइट हो, आपका मसल्स हो, बॉडी हो, कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। ऊपर से क्या है, ज़्यादा देर तक सोने तो हमारा माइंड जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हम नेगेटिव चीज़ ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि
अच्छा खाना खाना है, ठीक है, टाइमली खाना खाना है, कोशिश करो कि आप शाम को ही खाना खा लो, 8 बजे तक खाना खा लो, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई वढ़ाई करो जरा सा, और 10 बजे होते होते आप सो जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट भी होगा और आपके शरीर में खाना लगेगा, तो आपका हाइट ग्रोथ करेगा, आपका बॉडी मसल भी ग्रोथ करेगा। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती मत करना। अगला चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि खाना हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल पर नहीं खाते हैं, उससे एक चीज़ और है, उसका अप लेवल है, वो है क्या, हम बाहर का फास्ट फूड, बाहर का बेकार खाना हम ज़्यादा खाते हैं। कोई समोसा खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो आप एक बात समझ लो दोस्तों, अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हो तो इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी का पाचन शक्ति होता है, हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज होता है, आपको भी पता होगा। अगर हम घर का सादा खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी ये सब खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिंग जो सिस्टम होता है वो दोस्तों वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, वो अच्छी तरह से काम करता है। वही अगर हम बाहर का चिकन चिल्ली खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, बहुत हाई मात्रा में जो क्या होता है, मसाला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिंग अच्छी तरह से नहीं होता। और आपने सुना होगा दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को दिया जाता है, ठीक है। और बॉडी को अगर एनर्जी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है तो क्या होगा, हमारा शरीर का किसी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। आप और टाइमली नहीं खाओगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, जिससे हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा, हमारा बॉडी का मसल्स नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप बाहर का खाना खाते हो तो वो खाना छोड़ दो, आपकी हाइट में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों अगली गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं वो क्या, लेट तक सोना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए, लेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब लेट सोने से क्या होता है, मान लीजिए कि आप 12 बजे 1 बजे रात को खाना खा के सोते हो, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा कि लेट तक नाइट तक खाना खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आप लेट तक फिफ हो गए तो आप मॉर्निंग में उठ के ना वर्कआउट कर सकते हो, ना ग्राउंड जा सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो। इससे भी क्या होता है दोस्तों, जब आप लेट तक खाना खाते हो तो आपका जो है, आप बाथरूम जाते होगे 8 से 9 बजे तक जाते होगे, जिससे आपका क्या होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो होता है, आपका पेट का जो लीवर होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका पेट खराब होगा, आपका लीवर खराब होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी है खाने से पूरा प्रॉपर जो एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो आपके बॉडी पे वो नहीं देगा, और आपके बॉडी पे वो नहीं देता है तो आपका जो बॉडी का ग्रोथ है, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। आप थके थके महसूस करोगे, क्योंकि आपका अगर आपका लीवर आपके खाने से प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा तो आपको थकान महसूस होगा। आप जरा सा काम करोगे आप थक जाओगे। अगर आप काम करके ही थक जा रहे हो तो आपके बॉडी में अगर पूरा एनर्जी नहीं वो मिलेगा तो आपका हाइट कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, ना आपके शरीर का मसल ग्रोथ होगा। तो कोशिश करो दोस्तों कि आप लेट नाइट तक ना जागे, ठीक है। अगर लेट नाइट जागोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ कभी कभी आप जाग सकते हो, जब आपको पढ़ाई करना है तो उस टाइम जागो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे ये प्रोसेस करते हो, 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक करते हो, तो आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप ये गलती करते हो तो गलती को सुधार लो। दोस्तों अगले चीज़ पे आपको जो ध्यान देना है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, आपको पता हो कि हर अदर इन्वायरमेंट के ऊपर जो हाइट हमारा डिपेंड भी करता है, ठीक है। आप कोई पहाड़ी इलाका में रहता है तो उसका वेदर के हिसाब से उसका हाइट जरा सा कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा वेदर के अंदर ये होता है दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट वगैरह इलाका में रहते हैं, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा फैलता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुँह के अंदर कोरोना का जो है वायरस वगैरह ना जाए। लेकिन दोस्तों कोरोना खत्म होने के बाद भी आप इस्तेमाल करो, मास्क का इस्तेमाल करते रहना, जिससे आपका बॉडी में जो है डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह हमारे जब बॉडी में जाता है ना दोस्तों, हमारा लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम कर रहा है तो हम ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी ऑल ओवर कहें हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमको कोशिश करना है कि हम गलत तरीके का पानी ना पिए। क्या हम करते हैं, कहीं घूमने गए, कहीं भी होटल का पानी पी लिए, तो वो पानी कहाँ का है, खाद का पानी है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से आपको बचना है, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप ये गलती करते हो तो कोशिश करो इस गलती को सुधारने का। अगला चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, और सब लोग ये गलती करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है आपको खुद से बात करना है। और आप बोलोगे कि भाई क्या चुतियापा कर रहे हैं भाई, कि खुद से कौन बात करता है, कोई मेंटल है क्या। देखो खुद से बात करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात समझो, हम कुछ भी करें लाइफ में, ठीक है, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लोग हमें टोकते हैं, हमें मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें बहुत लोग क्या है, आप कमेंट आता आप लोगों के, भाई हमको बोलता है कि आप तो बोना है, मोटा है, काला है, पीला है, ऐसा है वैसा हमें कमेंट किया जाता है, जिससे हम क्या होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब इंसान जब डीमोटिवेट होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है पता है, हमारे अंदर खुशी नहीं होता, हमें लगता है यार हम बहुत बुरे हैं, यार मैं काला हूँ। अब जैसे मानो देखो मैं काला हूँ, मुझे बोलते हैं भाई तू काला, तो भाई अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं काला हूँ, इसमें मुझे अच्छा लग रहा भाई, मैं है तो हूँ। अब इसको तो आप बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी के बातों को अगर दिल पे लेकर चलोगे ना तो क्या होगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, खुद से बात करना है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों कि मान लीजिए आपका हाइट हल्का सा कम है और आप सेना की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में जाने चाहते हो, आपका हाइट कम है, जीटी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि कोई भी आपको इतना डिमोटिवेट ना कर दे कि मान लीजिए आप आर्मी में नहीं जा पा रहे हो, तो आप कलर की तैयारी करो, ऊँचे लेवल की तैयारी करो। अगर आपको पता होगा जब आप ऊँचे लेवल की तैयारी करते हो तो आपका हाइट वहाँ पर बहुत कम मांगा जाता है। तो आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि कोई भी ऐरा गहरा चूतिया इंसान आपको गलत ना बोल के चला जाए, आपको डीमोटिवेट ना कर जाए। हमेशा अपने आप को खुश रखो, लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब आपको भगवान ने ऊपर वाले ने जब आपको ज़मीन में भेजा है तो आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ के साथ अच्छा जरूर करोगे। तो अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करना। और बाकी अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो आपका भाई हमेशा आपको मोटिवेट करने के तैयार रहेगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी जानना है, मुझसे बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।